गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू श्री एकनाथ राव खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताईनगर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आई एम सचिन पाटिल योर कंप्यूटर टीच योर ईवीएस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 6 ईटिंग हेल्दी। व्हाट इज योर चैप्टर नेम? ईटिंग हेल्दी। नाउ वर्कशीट फर्स्ट। Here I am writing my name, you write your name in this way, okay? Now, eating healthy. Eating means the food we eat, जो हम लोग खाते हैं। Healthy means अच्छा खाना, अच्छा खाना हम लोगों ने खाना चाहिए। Eating healthy. Now, in this chapter, we are going to learn about kinds of food. Kinds of food मतलब अलग अलग type के food and sources of foods. Sources of foods मतलब क्या? हमें हमारे foods कहाँ से प्राप्त होते, कहाँ से मिलते हैं? That is called sources of foods. First क्या है? Kinds of food, अलग अलग type का खाना, अलग अलग टाइप का खाना हम लोग खाते हैं। कौन सा टाइप का खाना हम लोग खाते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। और सोर्सेस ऑफ फूड्स मतलब हमें ये खाना कहाँ से मिलता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर, दैट इज ईटिंग हेल्दी। सी आई एम रीडिंग द फर्स्ट लाइन। सी फूड इज अवर बेसिक नीड, it is important for us because food is our basic need. Basic need मतलब ये हम लोगों की जरूरत है। food हमें खाना हमें जरूरी है। it is our basic need. it is important for us. ये हमें important क्यों है? because food is important for us because It gives us energy. Food give us energy to do work. Work करने के लिए हमें वो energy देती है। Food हमें energy देता है। It helps us to grow. हमें बड़ा होने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू ग्रो। इट कीप्स अस हेल्दी, हमें कैसा रखता है? हेल्दी। अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोग कैसे रहते हैं? हेल्दी। इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट टू फाइट डिसीजेस एंड फिट टू फाइट डिसीजेस। और जो भी हम लोगों को डिसीज होता है, डिसीज माने क्या? जब हम लोग बीमार होते, बीमारी से लड़ने के लिए हमें फिट रखता है। बीमारी से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, बीमारी से, डिसीज से, डिसीज मतलब बीमारी, तो बीमारी से फाइट करने के लिए हमें फिट रखता है, हेल्दी रखता है। कौन? फूड। Food is our basic need. It is important for us because it gives us energy to do work. हमें energy प्रदान करता है काम करने के लिए। It helps us to grow, बड़ा होने के लिए। It keeps us healthy and fit to fight diseases, हमें healthy रखता है बीमारियों से लड़ने के लिए। आया समझ में? For that purpose, food is important for us. अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाई फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो उसका जवाब क्या देंगे आप लोग? इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, इट हेल्प अस टू ग्रो, इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट टू फाइट डिसीजेस। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फूड। काइंड्स ऑफ फूड, काइंड्स ऑफ फूड, काइंड्स मतलब कौन से टाइप के फूड होते हैं। कौन से टाइप के फूड होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड
फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी. वी नीड ऑल ऑफ देम. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब अलग अलग टाइप के फूड क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. क्या क्या फुलफिल करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं. फुलफिल मतलब कंप्लीट करते हैं. क्या कंप्लीट करते हैं, डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी में जो भी खामियां होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, जिस विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वो सब क्या करती है, फुलफिल करती है. कौन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, काइंड्स ऑफ फूड. आया समझ में. अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी गिविंग फूड. हमें एनर्जी देने वाले फूड कौन से होते हैं, देखिए. एनर्जी गिविंग फूड, दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी. दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी. कौन से यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, पोटैटोज, व्हीट. व्हीट माने गेहूँ, पोटैटो आपको पता है, पोटैटो की सब्जी आप लोग खाते हो, पराठे खाते हो. सो दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीट मतलब गेहूँ, व्हीट माने गेहूँ, और पोटैटो, और राइस, और कौन सा होता है, मेज. राइस माने चावल, मेज माने मक्का. सो व्हीट पोटैटो राइस मेज, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स. इनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. फॉर एग्जाम्पल व्हीट पोटैटो राइस मेज, ये एग्जाम्पल है. व्हीट पोटैटो राइस एंड मेज, दीज आर द एग्जाम्पल. ऑल दीज आर कॉल्ड एज ए ऑल आर एनर्जी गिविंग फूड. ये एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब एनर्जी देने वाले, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. आया समझ में. तो एनर्जी प्रोवाइड कौन से फूड करते हैं, व्हीट पोटैटो राइस एंड मेज. नाउ नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड, वी नो दैट वी वॉन्ट टू मेक अवर बॉडी. हमें हमारी बॉडी बनाना पसंद है, हमें बॉडी बिल्डिंग, हम लोग बॉडी बिल्डर देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, हमारे आजू बाजू में देखते हैं. कुछ लोगों की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो हाउ दे कैन मेक देयर बॉडी स्ट्रांग, और हाउ दे कैन बिल्ड देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ईटिंग अ हेल्दी फूड. वो एक हेल्दी फूड खाते हैं. तो कौन से फूड है वो जिससे हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, जिससे हमारी बॉडी बनती है. तो दिस काइंड ऑफ फूड हेल्प्स अवर बॉडी, हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो, हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो. दिस काइंड ऑफ फूड हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो. ये जो बॉडी बिल्डिंग वाले जो फूड होते हैं, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. हमारी बॉडी उससे क्या होती है, ग्रो होती है, बड़ी होती है. तो कौन से है, उनके एग्जाम्पल देखते हैं. वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड. कौन से है वो एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल है पल्सेस, मतलब पल्सेस, मतलब पल्सेस का मतलब क्या होता है, पल्सेस मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग टाइप के. हम लोग दाल खाते हैं ना, हम लोग अलग अलग टाइप के दाल हम लोग खाते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्सेस. देन सेकेंड टाइप ऑफ फूड इज एग्स, अगेन मिल्क, फिश, दाल.
एंड नट्स, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, दाल एंड नट्स. सो दीज आर कॉल्ड एज ए बॉडी बिल्डिंग फूड. कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड? विच आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स? पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, दाल एंड नट्स. दीज फूड्स आर हेल्प टू मेक अवर बॉडी. अंडरस्टैंड? नाउ टर्न द पेज. सी, प्रोटेक्टिव फूड. कौन से फूड प्रोटेक्टिव होते हैं? कौन से फूड हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं? दिस काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट अस. इस तरह का जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. किससे बचाते हैं? फ्रॉम वेरियस डिसीजेज. दिस काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेज. डिसीजेज मतलब बहुत सारी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो कौन से फूड है ऐसे? फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स. विच आर द प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दिस काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस. हमें ये जो फ्रूट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, एप्पल, मैंगो, कस्टर्ड एप्पल, सो ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पिनेच, कैबेज, गोल्ड, लेडीज फिंगर. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स. इनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है. आया समझ में? नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? डाइट मतलब वॉट काइंड ऑफ फूड वी आर गोइंग टू ईट, दैट इज कॉल्ड डाइट. हम लोग किस टाइप का खाना खाते और किस टाइप का खाना हम लोगों ने खाना चाहिए उसे कहते हैं डाइट, बैलेंस्ड डाइट. वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन ए वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन ए बैलेंस मैनर. इन ए बैलेंस मैनर मतलब हम लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप का हेल्दी खाना खाना चाहिए. वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड. ऑल काइंड्स ऑफ फूड मतलब अलग अलग टाइप का पूरा खाना हम लोगों ने, हेल्दी खाना हम लोगों ने ठीक से खाना चाहिए. इन अ बैलेंस मैनर मतलब थोड़ा थोड़ा और अच्छा खाना हम लोगों ने खाना चाहिए. दिस इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट मतलब सभी टाइप का खाना हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. दिस इज नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन अ बैलेंस मैनर. दिस इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. दिस इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. आया समझ में? अ डाइट इज व्हाट वी ईट ऑन ए डेली बेसिस. इन ए डेली बेसिस अ डाइट इज व्हाट वी ईट ऑन ए डेली बेसिस. डाइट का मतलब क्या? जो डेली बेसिस पे हम लोग खाना खाते हैं उसे डाइट कहते हैं. अ डाइट इज व्हाट वी ईट ऑन ए डेली बेसिस. जो हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, रोज खाते हैं, हमेशा खाते हैं, उसे डाइट कहते हैं. आया समझ में? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. एनर्जी गिविंग फूड. कौन सा एनर्जी गिविंग फूड? और यहां पर पोटैटो. दिस इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड.
बॉडी बिल्डिंग फूड, विच आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एग इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है, फ्रूट्स, फ्रूट्स आर द प्रोटेक्टिव फूड्स। नाउ द सेकेंड पार्ट दैट इज नथिंग बट द सोर्सेस ऑफ फूड्स। सोर्सेस ऑफ फूड्स मतलब क्या होता है, कहाँ से हमें ये खाना मिलता है, हा? ये जो हम लोग खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, व्हीट, राइस, ये हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है। मोस्ट ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, मोस्ट ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सारा खाना हमें पेड़ पौधों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, पौधों से मिलता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड सच एज, प्लांट्स प्रोवाइड्स अस फूड सच एज, हमें प्लांट्स हमें कौन सा खाना देते हैं, पेड़ पौधे हमें कौन सा खाना देते हैं, वेजिटेबल्स, कौन सा खाना देते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, देन सीरल्स, देन पल्सेस। आया समझ में? तो पहले हम लोग देखते हैं वेजिटेबल्स, प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड सच एज वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स आर ईटन, सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ एज ए सैलड्स, वाइल सम आर कुक, सम आर कुक बिफोर ईटिंग। अभी हमें प्लांट से मिलने वाले फूड कौन से हैं, प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, तो कौन सी सब्जी हम लोग कच्ची खाते हैं, वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ एज ए सैलड, कौन सी सब्जियों का, कुछ सब्जियों का हम लोग क्या बनाते हैं, सैलड बनाते हैं, रॉ सैलड, कच्चा सैलड, रॉ मतलब कच्चा, आर ईटन रॉ एज ए सैलड, वाइल सम आर कुक बिफोर ईटिंग, और बाकी जो वेजिटेबल्स है उनको हम लोग क्या करते हैं, कुक करते हैं, मतलब उनको हम लोग कुक करके हम लोग उसको खाते हैं, मतलब हम लोग उसको थोड़ा पकाते हैं फिर हम लोग खाते हैं, और बाकी थोड़ा वेजिटेबल्स जो होता है दैट वी कैन ईटन रॉ एज ए सैलड, हम लोग उसको कच्चा ही खा जाते हैं। तो ऐसे कौन से हैं, कौन से वेजिटेबल्स का नाम आपको पता है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, देन कच्चा कौन सा खाते हैं हम लोग, कैरोट। कॉलीफ्लावर को हम लोग कुक करके खाते हैं और कैरोट को हम लोग रॉ सैलड करके खाते हैं, आया समझ में, कच्चा ही खा जाते हैं, कैरोट को हम लोग कच्चा खाते हैं, कॉलीफ्लावर को हम लोग कुक करते हैं बिफोर ईटिंग, आया समझ में। नाउ टर्न द पेज, अभी प्लांट से हमें और क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, फ्रूट्स, आया समझ में, तो फ्रूट्स, फ्रूट्स कैसे होते हैं, फ्लेशी होते हैं, कैसे होते हैं, हाउ द फ्रूट्स आर फ्लेशी, फ्लेशी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर ईटन ऑफ फ्रूट, प्लांट्स का जो फ्लेशी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है फ्रूट्स के, मैंगो, फ्रूट्स के एग्जाम्पल मैंगो, अगेन एप्पल, अगेन ग्रेप, ग्रेप, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, आए समझ में, दीज आर द फ्रूट्स, दे आर द फ्लेशी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर ईटन, मतलब वो बहुत ही क्या होते हैं, नरम और रसीले होते हैं, आए समझ में। अभी सीरल्स, कौन से सीरल्स हम लोग खाते हैं, सीरल्स देखिए, प्लांट्स ग्रेन, ग्रेन्स पता है दाने, ग्रेन्स माने दाने, प्लांट ग्रेन्स यूज्ड एज ए फूड, प्लांट्स के जो ग्रेन्स होते हैं
जैसे बाजरी, गेहूँ, ज्वारी, दीज आर कॉल्ड ग्रेन्स, प्लांट्स ग्रेन्स यूज्ड एज ए फूड। देन कौन से एग्जाम्पल है, व्हीट, मेज, दीज आर द एग्जाम्पल। ग्रेन्स के कौन से एग्जाम्पल है, व्हीट, मेज, सीरियल्स, ये सीरियल्स हम लोग खाते हैं, सीरियल्स। प्लांट्स ग्रेन्स यूज्ड एज ए फूड, प्लांट्स का जो ग्रेन्स होता है, दाने होते हैं, दाने हम लोग फूड की तरह खाते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है उनका, व्हीट माने गेहूं और मेज। अभी पल्सेस, हम लोग कौन से पल्सेस खाते हैं, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स यूज्ड फॉर ईटिंग। किस लिए यूज होता है, वो खाने के लिए यूज होता है। पल्सेस कौन से हैं, पल्सेस माने सीड्स, किसके सीड्स, प्लांट्स के सीड्स, यूज्ड फॉर ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल पी, देन ग्राम, दैट इज कॉल्ड पल्सेस, इनको पल्सेस कहते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस, पी एंड ग्राम, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स, व्हाट इज एनिमल्स, एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड। एनिमल्स भी क्या करते हैं, हमें फूड, एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड, एनिमल भी हमें खाना देते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस अ फूड, कौन से एनिमल हमें देते हैं, काऊ, काउज एंड बफेलोज, बफेलोज गिव अस मिल्क, और क्या देते हैं हमें, वो चीज, चीज कभी खा के देखा है आप लोगों ने, चीज, बटर और घी, चीज, बटर, घी, अगेन क्या देते हैं, पनीर, चीज, बटर, घी, पनीर, और क्या देते हैं, योगर्ट, योगर्ट मतलब क्या बोल देते हैं, दही। काऊ एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड, एनिमल्स से भी हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो कौन से एनिमल खाना देते हैं, काउज एंड बफेलोज। कौन से टाइप का खाना देते हो, गिव अस मिल्क, हमें दूध देते, चीज देते, बटर देते, घी देते, पनीर देते, एंड योगर्ट आर मेड फ्रॉम मिल्क, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, मिल्क से बनती है, किससे बनती है, मिल्क से। We also get eggs and meat. मीट माने मांस, किसी एनिमल का मांस, आया समझ में। We also get eggs and meat from animals. So in this way these are called as a sources of food. Which are the sources of food? First is vegetable. Vegetables मतलब प्लांट से हमें वेजिटेबल मिलती है। देन फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड एज ए सोर्सेस ऑफ फूड, इनको सोर्सेस ऑफ फूड कहा जाता है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स, सी व्हाट इज द क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर इज ए डैश डैश, क्या होता है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर इज ए वेजिटेबल, इज ए वेजिटेबल। पल्सेस आर डैश डैश ऑफ प्लांट्स, सीड्स ऑफ प्लांट्स, पल्सेस आर सीड्स ऑफ प्लांट। मिल्क इज एन
मिल्क इज एन बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट और प्रोटेक्टिव फूड. मिल्क इज एन बॉडी बिल्डिंग फूड. मिल्क इज एन बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखना है ये, ये यहाँ पे लिखना है. मिल्क इज एन बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट. वी गेट मोस्ट ऑफ अवर फूड फ्रॉम, वी गेट मोस्ट ऑफ अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. वी गेट मोस्ट ऑफ अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट वर्कशीट सेकेंड वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.